चिल्लाते रहे, सरस्वती वंदना नहीं मानी उसी कहा मानी, आपके मान लीजिए कि आपके हिंदू है आपका और आपका उसमें है काम एक इंग्लैंड में तो हिंदू नहीं रहेगा, यूनान में रहेगा तो कहीं हिंदू नहीं रहेगा, जर्मनी में रहेगा तो हिंदू नहीं रहेगा। हम लोग सना आने सदा आने रहने जो सदा रहे हम लोग एकदम एक्यूरेट। देखो आप कहीं लीजिए अभी इन्होंने कहा बंदर की औलाद, कहा बंदर की औलाद, हम लोग आप अपना साहित्य पढ़े नहीं, उनकी बात मान रहे हैं। विकासवाद का सिद्धांत डरवन का कहता था पहले क्या पूछ थी लोगों की, धीरे धीरे क्या है वो पूछ बैठते बैठते उसकी पूछ खत्म हो गई, वो मनुष्य बन गए, ऐसा वो सिद्धांत है। आप समझ लीजिए आदि पुरुष मनुष्य रूप हुए सृष्टि, भगवान जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो सृष्टि ऑटोमैटिक नहीं थी, बड़ी समस्या होती थी, बनाते थे नष्ट हो जाती थी, बनाते थे नष्ट हो जाती थी, क्या किया जाए वो चिंतन करने लगे तो उनका शरीर फटा, फटकर दो भाग हो गए, एक शरीर स्त्री प्रधान था एक पुरुष प्रधान, जो दाहिना भाग था ना वो स्त्री प्रधान वाय पुरुष प्रधान, वाय भाग से उसको सौर बोलते उससे मनु उत्पन्न हो गए और एक भाग से शत्रुपा उत्पन्न हो गया चंद्र प्रधान, शत्रुपा स्त्री हो गई मनु पुरुष हो गए, तीन से वही सृष्टि अनुपा नर सृष्टि अनुपा, उनसे नर सृष्टि अनुप हो गई, उन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब तुम कहते बंदर थे, पहले कहा के बंदर थे, कोई बंदर अंदर नहीं भाई, आपकी जैसी उपेक्षा करते आप मान लो। आप देखना एक डॉक्टर ठीक हो गए थे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, उन्होंने क्या किया है उन्होंने सब लोगों की ईसा के वास सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं, कालिदास ने कहीं नहीं लिखा कि मैं अमुक जगह पैदा हुआ था, अमुक सन में पैदा हुआ था, भारवी ने कहीं नहीं लिखा अमुक जगह पैदा हुआ था, अमुक समय पैदा हुआ था, नागानंद ने कहीं नहीं लिखा, जो बड़े बड़े आचार्य थे उन्होंने अपनी जीवनी में कुछ नहीं लिखा, उनकी जीवनी इन लोगों ने शोध करके सबको सिद्ध कर दिया ईसा के बाद, सबको सिद्ध कर दिया ईसा ही सर्वोच्च सत्ता थी, तो ईसा के बाद सब हुए ईसा को पूर्व हुए, ऐसा नहीं है क्यों नहीं हुए ईसा के पूर्व, भगवान आदि शंकराचार्य कुछ लोगों ने 2500-1200 वर्ष सिद्ध कर दिया, 2500 वर्ष की परंपरा आप समझ लीजिए द्वारका पीठ की है, एकदम व्यवस्थित आचार्य मिल रहा है, 2500 वर्ष की परंपरा पूरी की है तो 2500 वर्ष उनका मिल रहा है। अब रही श्रृंगेरी की बात, तो श्रृंगेरी का मठ बदला है, कहाँ का श्रृंगेरी का, पहले दूसरी जगह था तो दूसरी जगह मठ स्थापित हुआ 900 वर्ष बाद, और यहाँ आपने ज्योतिर्मठ में तो आचार की परंपरा गड़बड़ हुई है, वहाँ पीठ की परंपरा गड़बड़ हुई है, यहाँ आचार की परंपरा गड़बड़ हुई है, इनका रिकॉर्ड समुचित है नहीं, बाकी मूल जो रिकॉर्ड है वो 2500 वर्ष 407 ईसा वर्ष को हुए भगवान से।